वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा तो हो गए देख देख। एक फकीर को चोरी करने की जरूरत क्या है, कोरोना से लाखन मर गई है, लासन से गंगा भर गई है। हमारे मैं मिथिला बिहार के धरती से नेहा सिंह राठौड़ जी आई हुई थी और उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे से किया है पूर्वांचल और यहाँ के प्रवासी के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। मत से सबने इंडिया गठबंधन को साथ देने की बात जो है सो बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों ने, आपने देखा ही होगा और आपके विजुअल में आया भी होगा, सबने एक मत से जो है सो कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं ऐसा उन्होंने। महंगाई बेरोजगारी के गीतों पर समर्थन मिल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल 100% उसमें समर्थन था और जो अभी हालात है उस पे जो है सो सबका सहमति दिख रहा था। वो बहुत बड़ी गायिका है और यहाँ पर आई आईपी कॉलोनी में बुराड़ी विधानसभा के, एक समय था जब वो छाई हुई थी सोशल साइट पे काबा शब्द से, तो आपको क्या लगता है उत्तरी पूर्वी दिल्ली काबा? एक्चुअली इसमें उनके हम लोगों का संबंध बिहार से ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो इस वजह से हमारे पास आए, वो बड़े कलाकार आज भी हैं और हमेशा उनका कामयाबी मिले हम ईश्वर से कामना करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो अभी परिस्थिति है उत्तरी पूर्वी दिल्ली का उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आके अपनी बात आप रखो, उन्होंने आके अपनी बात रखी और उन लोगों ने उनकी बातों को काफी सराहना किया। फिल्म काबा, लेकिन दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली में काबा। देखिए नेहा सिंह राठौर जी जो है बिहार की गायिका है और उत्तर प्रदेश की बहू है, ये देश की वो बेटी है, चाहे सरकार किसी की भी हो वो मांग करने की उसका पूरा हक बनता है कि सरकार से चाहे कोई भी हो जनता मांग कर सकती है कि दिल्ली में यूपी में बिहार में काबा। तो आज उन्होंने बहुत अच्छे सवाल किए हैं कि भाई दिल्ली में काबा, यूपी में काबा और बिहार में काबा, पूरे देश का ये लोकतंत्र चल रहा है, इसमें हर नागरिक को सवाल पूछने का हक है। जो आज देश की जनता देश की वर्तमान सरकार से पूछ रही है बहुत अच्छे सवाल पूछ रही है, बेरोजगारी भी पूछ रही है, 2 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था उस पर पूछ रही है, लोगों को काम नहीं है, लोगों के पास महंगाई को लेकर सवाल पूछ रही है। जनता तो सवाल किससे पूछेगी, सरकार से तो पूछेगी, जो सरकार देश में बैठी हुई है उस सरकार से पूछेगी। आज बहुत अच्छे हमारे यहाँ के इंद्रप्रस्थ के मंच से सवाल गया है झांगीपुरी, इससे पहले झांगीपुरी में थी नेहा जी, उससे पहले कल मुकंदपुर में भी थी समता बिहार में। देखिए देश की जनता से सवाल पूछेगी देश की जनता ही, जो सरकार बैठी वर्तमान में है। आज हमारे इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है उत्तर पूर्वी से कन्हैया कुमार जी और जो बहुत अच्छे कैंडिडेट है, लोगों का बीजेपी के यही बोल रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं वो आतंकवादी है, उन्हें देश के टुकड़े टुकड़े किए। अगर वो देश के टुकड़े टुकड़े किए होते तो अमित शाह जी की इतनी बड़ी तानाशाही उसे क्लीन चिट नहीं देती, क्लीन चिट मिली है, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि उसके ऊपर आरोप है, नहीं है आरोप, कोई सिद्ध नहीं है उसके ऊपर, बहुत झंडोल के देखा है, कुछ नहीं देखा उसमें, कुछ भी नहीं मिला है। तो आज देश के अंदर आज सबसे बड़ी पॉपुलर सीट है ये कन्हैया कुमार जी की, जो आज देश में हीट ओवेंस पे चल रही है और देश के अंदर मोदी तक भी शायद मुझे लगता है, कल इंफॉर्मेशन है शायद कल या परसों में बुराड़ी में मोदी भी आ रहे हैं, अमित शाह तो जगह जगह जाकर वोट मांग रहे हैं। देश के अंदर ये वो युवा है जो संसद से देश की आवाज बोलेगा, गरीब परिवार से है, ये कोई टाटा बिल्ला नहीं है जो ये काम करेगा, ये देश की जनता की आवाज उठाएगा संसद से, इसको चुनिए, बहुत अच्छे सेवा भाव से अपना काम करेगा। हम तो यही आशा करते हैं कि आप सब लोग समर्थन करें। राजनीति से पहले मैं इस कार्यक्रम की बात बता दूं आपको, जो ये नेहा राठौर जी आई हैं बहुत बेहतरीन और उभरती हुई कलाकार हैं, इन्होंने अपने शब्दों से आजकल की जो समस्याएं हैं लोगों की, जो हार्ट से लोगों के जो दिल से निकली हुई जो बातें हैं वो उन्होंने अपने सुरों में पिरो के उसको जो पेश किया है वो वाकई तारीफ़ काबिल है और पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है, इनको सुनती है, इनको सुनने के लिए
मैं भी जब इनका पता लगा ये आ रही हैं तो तपन भाई ने मुझे मैसेज दिया, तो मैं उनको सुनने के लिए यहाँ आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदित। और जब उनकी बातें सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो आज पूरा देश जूझ रहा है, उन समस्याओं को बहुत अच्छे से उन्होंने अपने एक अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया है। बहुत बेहतरीन रहा। और उसमें एक आजकल जो पब्लिक है, अभी अगर राजनीतिक बात अगर हम लोग करें तो पब्लिक का जो इस टाइम पे रुझान है वो बदलाव का है। लोग ऊब चुके हैं पिछली सरकार से, पिछले सांसद से, वो उनकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं। अब उनको कुछ नया चाहिए, एनर्जेटिक चेहरा चाहिए, एक युवा चाहिए। उसमें कन्हैया कुमार बिल्कुल फिट बैठते हैं। बहुत बेहतरीन जो ना हमारे यहाँ के लिए जो वर्कर हैं, जो जितने भी हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं।